पत्रकार एकता संघ का मनाया गया 7वां स्थापना दिवस। जी हाँ, सीतापुर पत्रकार एकता संघ का 7वां स्थापना दिवस गुड मैरिज लॉन मुंशीगंज सीतापुर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री अनिरुद्ध कुमार के द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर सम्मान पूर्वक दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। पत्रकार एकता संघ के प्रभारी जिला अध्यक्ष दाऊद खान ने जिले के पदाधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से केक काट कर हर्ष व्यक्त किया। पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। प्रभारी जिला अध्यक्ष दाऊद खान ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकारिता करता है, ना तो उसे वेतन दिया जाता है और ना कोई भत्ता दिया जाता है। पत्रकार एकता संघ के पदाधिकारियों का 2,00,000 का बीमा भी लागू कर दिया गया। देखिए ये रिपोर्ट। मैं आए हुए हमारे सीतापुर के सभी पदाधिकारी सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और हमारे संगठन के साथियों और सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस तरीके से संगठन खड़ा किया। हमारे संस्थापक जो है सैनी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक सोच अपने मन में ला करके हमको एक जोड़ने के लिए ऐसा इतना बड़ा संगठन दिया जिसमें हम लोग एक साथ रह के सारी समस्याओं का समाधान कर सकें और एक दूसरे के काम आ सकें। इसके लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है क्योंकि वो हमारे प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं जो हमारे जिले के कार्यक्रम में शामिल हुए। हमारे बड़े भाई जिन्होंने अपना बहुत कीमती समय देकर हमें और हमें बहुत अच्छी जानकारियां देकर हमको लाभान्वित किया, इसलिए हम सभी आए हुए साथियों को एक बार फिर जब हमारे संगठन का जब प्रदर्शनी का स्थापना दिवस का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद और समापन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग नाश्ता के बगैर नहीं जाएंगे, पानी और नाश्ते की व्यवस्था है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दिया है 2,00,000 का जो हमारे संगठन का सदस्य होगा उसको 2,00,000 का बीमा होगा। आपको बहुत आसान तरीका है और कुछ करना नहीं होता है इसमें, सिर्फ आप आईडी अपनी दे दें और अपना पत्रकार जो कार्ड होता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें और आप सदस्य बन जाए। निःशुल्क आपको समझिए 2,00,000 का बीमा।